just the grassy. Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। एक्सपायरी का दिन था आज, वीकली एक्सपायरी काफी उठापटक देखने को मिली निफ्टी इंडेक्स में। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,282 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,176। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट आज ही इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा था। शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बना क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। 200 पॉइंट के गैप के साथ निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और फिर जैसे यहाँ से रिकवरी आई और ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर दोबारा से जब साउथ की तरफ आ रहा था तब फर्स्ट टारगेट 15,152 और सेकेंड टारगेट 15,127 ये इसने अचीव कर लिया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। हमेशा गैप अप और गैप डाउन ओपन जब होता है तब वेट करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो अच्छे से काम कर सकते हैं जब गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो वेट करने दीजिए। हमारा जो लेवल है फिर से जब ब्रेक होगा तब एंट्री लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। 60 मिनट के चार्ट पर चलेंगे। आज अगर देखें तो इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है ऐसा कह सकते हैं। जो प्रीवियस डे का कैंडल था, अगर हम डेली चार्ट को देखें तो प्रीवियस कैंडल का जो रेंज था हाई और लो इसी के बीच में आज ट्रेड हो रहा था। तो यानी कि यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ है। तो अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बढ़ता है तो फर्स्ट हर्डल तो होगा ये 20 EMA। ये आप देख सकते हैं ये 20 EMA का मूविंग एवरेज हो सकता है हर्डल का काम करे। फिर आज जहाँ से ये बाउंस बैक किया है गैप डाउन ओपन होने के बाद तो हो सकता है वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर 15,024 को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,002। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि 50 EMA की लाइन है 14,979। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो आज का जो स्विंग हाई बना है हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है 15,187 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,207। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 15,228। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए है इंट्राडे लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न आज बना। जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से बाउंस बैक आया तो एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे ही दोबारा ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुए। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ये 60 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी अगर 35,562 इस लेवल को ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप, दो तीन दिन पहले दो बार इसने इस रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस इस लेवल को इसने फेस किया तो हो सकता है सपोर्ट का काम करे कल। तो कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए इस लेवल को तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,493। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 35,408। और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आज का हाईएस्ट ये जो क्लोजिंग लेवल बन रहा है यानी 36,266 के आसपास इसको ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,323। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 36,379। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।